और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट में जाड के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है। मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं। मामले में अब 21 नवंबर को हाईकोर्ट की सुनवाई फिर से होगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर है, स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन हाईकोर्ट में दिया गया जाड प्रतिनिधियों की तरफ से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। इस वक्त ये बड़ी खबर, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये हड़ताल टूट जाएगी, रेजिडेंट्स काम पर लौटेंगे। इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हाईकोर्ट में आज जाड के प्रतिनिधियों की तरफ से स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। जाड प्रतिनिधियों ने स्ट्राइक को खत्म करने का आश्वासन दिया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की गई है। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल मामले को लेकर के इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर को तय की गई हाईकोर्ट में। और इसी बीच खबर यह है कि स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन जाड प्रतिनिधियों की तरफ से हाईकोर्ट में दिया गया है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर जाड के प्रतिनिधियों की तरफ से हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया है कि वे अपनी हड़ताल को वापस ले लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, हाईकोर्ट परिसर में मौजूद हैं। सौरभ, सौरभ क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, ये जानकारी मिल रही कि रेजिडेंट डॉक्टर से जब एकल पीठ ने जब पूछा कि स्ट्राइक को लेकर बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में उन्होंने जो है वो एक आश्वासन दिया है कि स्ट्राइक जो है वो खत्म कर दी जाएगी। हालांकि तमाम जो प्रतिनिधि वो अभी भी कोर्ट में जो है वो मौजूद हैं, लेकिन एक आश्वासन जो है वो दे दिया गया, यानी कह सकते हैं कि स्ट्राइक जो है वो अब कॉल ऑफ जो है वो होने जा रही है। और जो दिक्कतें मरीजों को आ रही थी वो अब दिक्कतें कुछ कम जरूर होगी। इस मामले में मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है वो गठन जो है वो किया है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब ये कमेटी जो है वो इनकी मांगों पर सुनवाई जो है वो करेगी। और क्या कुछ जो जायज़ मांगे सरकार पूरी कर सकती है, तो ये कमेटी जो है वो तय करेगी। लेकिन बड़ी राहत की बात तमाम मरीजों के लिए ये है कि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो इस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए तैयार जो है वो हो गए। साथ ही जो ये कोर्ट ने जो है वो ये भी कहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स पर जो कार्रवाई हो सकती थी, उस कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया, यानी अब इतने दिन जो हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की थी वो कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो इस वक्त निकल कर आई है। अब जाड के प्रतिनिधि जो है वो अभी भी कोर्ट में मौजूद हैं, कुछ अन्य प्रक्रियाएं जो है वो बाकी है, वो पूरी होने के बाद जो है वो तमाम जो प्रतिनिधि हैं इस पूरे मामले को लेकर वो बाहर आएंगे और ऑफिशियल वर्जन जो है वो मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एकलपीठ को ये भरोसा दिलाया कि वो स्ट्राइक जो है वो खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, इस लिहाज से एक कमेटी का इस पूरे मामले में गठन जो है वो कर दिया गया है। सौरभ, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर के 21 नवंबर को होगी, लेकिन क्या अब ये तय माना जाए कि जब जाड के प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट में आश्वासन दे दिया है तो शाम होने से पहले पहले रेजिडेंट्स की डॉक्टर हड़ताल की खत्म हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आएंगे? जी बिल्कुल, यही माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब हड़ताल जो है वो खत्म हो जाएगी। ऑफिशियल वर्जन अभी कुछ देर में ही आ जाएगा, उसके बाद से ही जो है वो तमाम रेजिडेंट जो है वो काम पर लौट आएंगे। इस प्रकार का जाट जो है वो तमाम जो रेजिडेंट हड़ताल पर उनको ये निर्देश जो है वो दे सकता है इस मामले में। हाँ, 21 नवंबर को सुनवाई होगी कि आखिरकार जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी जो है वो किस प्रकार का इनकी मांगों को लेकर निर्णय करती है, तो वो कमेटी को तय करना है। जो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं उन पर जो है वो कमेटी विचार करेगी। और हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।